गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे देश में, तो घर पर रहिए और अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो आप मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए और उसके साथ ही सैनिटाइज़र का भी यूज़ कीजिए। सो गाइस, आज मैं आपको घर के अपने कुछ जानवर से मिलाना चाह रहा हूँ और गाँव में मैक्सिमम आप लोग को देखने को मिल जाएगा, हर घर में गाय या फिर मुर्गियां या फिर बकरियां वगैरह होती हैं गाँव में। सो हमारे पास जो हैं अभी कुछ बकरियां और मुर्गियां हैं, सो उनसे मैं आपको मिलाता हूं। हम दो लोग मिलकर इसे बाहर बांध रहे हैं, इसका क्या रीज़न है आपको अभी आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ अपनी बकरियों से। ये हमारी छोटी सी बकरी और इसको यहाँ पर पठिया बोला जाता है। इसका कोई नाम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सजेस्ट कीजिए इसका नाम क्या रखा जाए। देख सकते हैं आप, और ये रही इसकी माँ। इसी के साथ लगते हुए ये है हमारी सबसे खतरनाक बकरी। इसको आप देख सकते हैं, इसके बाल कैसे इसने उठाए हुए हैं। अभी मैं खतरनाक इसको इसलिए कह रहा हूँ, ये हमारे घर का डॉगी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी को मारती रहती है अगर इसके आसपास कोई भी आ गया तो। अगर हम इसको अपने घर के सामने में अगर बांध दें तो किसी को ना आने दे, बाहर वालों को तो आप छोड़िए, हमें भी ना आने दे घर के अंदर, तो डॉगी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है इसके। गाइस, पिछले साल दो बच्चे हुए थे और एक बच्चे को ये दूध पिलाया करती थी और दूसरे को नहीं पिलाती थी, तो हम लोग क्या करते थे, इसका पीछे से पैर पकड़ के उन दोनों को हम दूध पिला दिया करते थे। तो तब से ही ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है और किसी को आने नहीं देती अपने आसपास। इसको बांधने के लिए भी, अंदर बाहर करने के लिए दो लोग चाहिए, एक लोग इसका गर्दन पकड़ते हैं और दूसरा इसे बांधते हैं। इसको एक बार छेड़ के देखते हैं गाइस और दिखाता हूँ मैं आपको कितनी गुस्सा ले। इसका मुंह देखिए गाइस, कैसे इसने फुला दिया है अपना मुंह गुस्से से। गाइस, ये आप देख सकते हैं मटर की घास है, इसे यहाँ पर लाके सुखा दिया गया है। तो हर तरह से हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं, पहले मटर को तोड़ के सब्जी मंडियों में भेज दिया जाता है, उसके बाद फिर ये घास इन बकरियों के काम आ जाता है। एंड गाइस, इसे बोला जाता है यहाँ पर गोट, ये गाय और बकरियों के रहने के लिए बनाया जाता है। और इसी के साथ लगते हुए ये एक छोटा सा मुर्गियों के लिए होता है, इसे बोला जाता है खोड़। और यहाँ पर आपको तीन मुर्गियाँ दिख रही होंगी, ये सारी बॉयलर हैं जो मार्केट में आप देखते होंगे वाइट वाले, और इन्हें हम काफ़ी टाइम से पाल रहे हैं।
इनका वेट 7 किलो तक चले जाता है। जो हमने लास्ट टाइम पाली हुई थी उनका वेट 7 किलो तक था, तो अभी कोशिश यही है कि इनका भी वेट बढ़ जाए उसी तरह से। आप देख सकते हैं गाइज। इस मुर्गे को देखिए, ये आपको छोटा ज़रूर लग रहा होगा इस वाले से, बट ये इससे पुराना है और आप कह सकते हैं ये पूरा लीडर है यहाँ का। इससे सारे मुर्गे मुर्गियाँ डरते हैं, तो सबसे पुराना है। और इसके पैरों पे देखिए गाइज, ये वैरायटी कौन सी है ये मैं नहीं कह सकता, बट ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। देखिए इसके उसमें भी है, तो दो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पैरों पे भी बाल हैं। और ये जो मुर्गियाँ हैं ये सबसे पुरानी मुर्गियाँ हैं हमारी। इसलिए काफ़ी एजेड लग रही हैं। सबसे कमाल की मुर्गी गाइज ये थी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एक्चुअली क्या था कि जो जंगली बिल्ले यहाँ पर होते हैं उसने एक बार इस पर अटैक कर दिया था, तो इसलिए इसके बाल वगैरह सारे निकल गए थे। बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी पहले से, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये 2 महीने पहले की वीडियो है जिनमें से एक का साइज़ बहुत ही रेयर है, और ऐसे ही ये वीडियो मैंने बना के रख ली थी जो आज काम आ गई। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं दोनों ही मुर्गियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं एक साथ अंडे देने के लिए। और जो ये जानवरों का घर है ये टीन शेड का बनाया हुआ है हमने। शाम के 6 बज चुके हैं गाइस, और देखते हैं कितने अंडे हमें मिलने वाले हैं। अभी काफ़ी हैं यार। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, एक, दो,
तीन चार पाँच छः सात ये लास्ट आठ, ये देख सकते हैं गाइस। एंड गाइस ये जो आप देख रहे हैं टोकरी छोटी सी, ये करीब करीब 40 साल पुरानी टोकरी है और ये मेरी दादी के टाइम की टोकरी है। सो मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है कितने साल पुरानी है, लेकिन ये मान के चलिए 35 साल तो इसे हो ही चुके हैं। सो ये रही हमारी टोकरी है जिसमें कि अंडे आप देख रहे हैं, और स्टार्टिंग से ही इसमें हम लोग अंडे रखा करते थे मुर्गियों के। सो ये स्पेशली अंडे के लिए ही बनाई गई है। अभी ले चलते हैं गाइस इसको यहाँ से बाहर और बनाते हैं इसका ऑमलेट। गाइस इसकी रखने की जगह ये है, यहाँ पर हमने एक कील ठोकी हुई है और ये लकड़ी की छत है। सो इसमें हम इस तरह से इसको लगा देंगे, देख सकते हैं हम। सो गाइस ये थे हमारे घर के जानवर। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।